लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। पूछताछ के लिए अभिनेता साहिल खान नहीं पहुंचे हैं पुलिस के पास। साहिल खान समेत तीन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, कोई भी बयान जो है वो दर्ज करवाने नहीं पहुंचा। आपको बताएं कि एसआईटी है जो पूरे मामले की जांच लगातार कर रही है। अलग अलग अभिनेताओं के नाम सामने आना, जिसमें से साहिल खान भी एक है। उनके साथ साथ तीन और लोग थे जिन्हें एक साथ समन जारी किया गया, लेकिन तीनों में से कोई भी बयान दर्ज करवाने के लिए नहीं पहुंचता है। पुलिस से 15 दिनों का समय साहिल खान ने मांगा है। मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन नहीं पहुंचे, बयान दर्ज करवाने हैं। महादेव सत्या को लेकर आप देख ही रहे हैं, लगातार हलचल इस पूरे मामले को लेकर बढ़ती हुई, लेकिन अपने स्तर पर एसआईटी भी मामले की जांच कर रही है। मुंबई में भी कई सारे कनेक्शंस खंगाले जा रहे हैं, उनमें से एक साहिल खान का जब नाम सामने आता है तब अड़कम की स्थिति भी रही। हो सकता है कि अलग अलग गतिविधियों के चलते अभी सामने आना ठीक ना समझ रहे हों, तो मुंबई पुलिस से 15 दिन का समय फिलहाल मांगा है। और अब खबर टीकमगढ़ से, जहां प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। बीच बाजार में मास्क की दुकान लग रही है और खुले में मास्क की दुकानों को हटाया भी नहीं जा रहा है। 100 से ज्यादा ऐसी जगह है जहां पर दुकानें लगी हैं, जांच करने भी अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। कुछ ऐसी जगह जहां पर सख्ती बरती जा रही है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी जहां पर लापरवाही का मंजर टीकमगढ़ का जिसमें से जिक्र सामने आता है। प्रशासन की गंभीर लापरवाही, कोई भी व्यक्ति कोई भी अफसर यहां पर सुध लेने नहीं पहुंचता है कि जो निर्देश डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से जारी किए गए हैं, क्या सच में उनका असर दिख रहा है जमीनी स्तर पर। तो बीच बाजार में मास्क की दुकानें लगती हैं, खुले में मास्क की दुकानें, जिससे लोगों को भी परेशानी है। शिकायत के बावजूद अफसर नहीं पहुंचते हैं। 100 से ज्यादा ऐसी जगह है जहां पर खुलेआम मास्क की दुकान लग रही है। तस्वीरें आप देखिए, जांच करने के लिए अधिकारियों का ना पहुंचना इस तरह की गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ावा देता है। सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, आखिर इस प्रकार की लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर तो एक्सपेक्ट नहीं की जानी चाहिए, क्या मौजूदा हालात है? देखिए, टीकमगढ़ शहर में जो खुलेआम मास्क की दुकानें संचालित हो रही हैं, कई शहर में कई जगह ऐसी दुकानें देखी जा रही हैं जहां खुलेआम इस तरह की दुकानें लग रही हैं। पुराने बस स्टैंड से लेकर तमाम जगह ऐसी हैं जहां इक्का दुक्का नजर दुकानें भी नजर आती हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है। जांच के लिए अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचे हैं और जो लाइसेंसधारी दुकानें हैं, करीब 20 दुकानों को सिर्फ लाइसेंस दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर में जो खुलेआम दुकानें संचालित हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक और जिम्मेदार अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी लापरवाही जरूर नजर आती है। बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत इस पूरी खबर को भी। बहुत शुक्रिया आपका राजीव। अलग अलग ऐसे इलाके भी जहां पर जमकर लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर भी चल रही है। और अब सूरजपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां हाथियों का उत्पात लगातार चल रहा है। 6 किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा चुके हैं हाथी। हाथियों ने 2 घरों को भी तोड़ दिया। आपको बताया कि 30 हाथियों का दल लोधी डांड गांव पर पहुंचा है और वन अमला हाथियों का लगातार मूवमेंट देख रहा है, निगरानी बनाए हुए है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के लोधी डांड गांव का ये पूरा मामला, लोग लगातार दल के सहायक जीने को मजबूर क्योंकि घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बात लगातार जारी। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों से रहवासी क्षेत्रों से हाथियों को दूर नहीं भगाया जा सका, फसलों को तहस नहस कर दिया है। तस्वीरें प्रत्यक्ष उदाहरण पेश करती है। और